नमस्कार, मैं हूं जया और आप देख रहे हैं फेलिसिटी टीवी। आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। भारत के लिए चिंताजनक स्थिति, नेपाल ने भारी मात्रा में चीन से खरीदी मोबाइल फोन। बांग्लादेश में 2 सालों से ज्यादा समय तक जेल में रहने पर नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। भारत पाक के रिश्ते पर इमरान खान का तंज, कहा मैं ख्वाब देखता हूँ, चांस लेता हूँ, वोट बैंक नहीं देखता। केदारनाथ के निर्माताओं पर लव जिहाद के आरोप, सारा ने दिया जवाब। राजस्थान में कल जारी किए जाएंगे घोषणा पत्र, राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं किसान कर्ज माफी का वादा। रिलायंस जियो को सरकार के संरक्षण के खिलाफ, बीएसएनएल यूनियनों की 3 दिसंबर से हड़ताल। नोएडा में लाखों की फीस देकर एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र 4000 का जूता चोरी में गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के बाद बिहार के और 16 शेल्टर होम में होंगी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इंडिगो के वेब चेकिंग शुल्क पर रेलवे ने ली चुटकी, कहा भारतीय रेल में स्वागत है आपका। भारतीय टीम की तैयारियों को लगा झटका, प्रैक्टिस मैच के पहले दिन का खेल बारिश में धुला। युवराज सिंह के घरेलू क्रिकेट में हुई वापसी, दिल्ली के खिलाफ करेंगे पहला मैच। अमेरिका का सबसे बड़ा सीरियल किलर, 90 से ज्यादा हत्या करने वाला लिटिल, गला घोट कर लेता था यौन सुख। कल पाक के पीएम इमरान खान करेंगे करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन, सिद्धू भी रहेंगे मौजूद। शादी के बाद काम पर लौटे रणवीर सिंह, सोनू सूद के साथ शुरू की सिम्बा की डबिंग। शादी की रस्म में शुरू प्रियंका चोपड़ा के घर, पूजा में ट्रेडिशनल अवतार पर पहुंचा जोनस परिवार। हॉकी विश्व कप 2018 में शाहरुख, माधुरी और रहमान के परफॉर्मेंस ने जीता लोगों का दिल। आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फेलिसिटी टीवी। नमस्कार।